मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। यश की है आज पूजा, तो थोड़ा जल्दी उठें और आज जाना है मंदिर भुवनेश्वर। तो यश की पूजा है वहाँ पर, तो जाते हैं वहाँ पर। चिकू तो चले जाएंगे, ऋषभ देव, मुझे, मम्मी को, यश को और भाभी को, चारों को जाना है। सो लेट्स गो। नहा लेती हूँ अभी और पूरी तैयार होकर फिर मिलती हूँ। मैं हो चुकी हूँ नहाकर रेडी। अब जाती हूँ नीचे। ब्रश तो बाकी है क्योंकि मेरा ब्रश नीचे ही पड़ा हुआ है और ब्रेकफास्ट भी बाकी है, तो ब्रश ब्रेकफास्ट सब नीचे जाके करते हैं। चलो थोड़ा रूम में सही करके ही जाती हूँ। ब्रेकफास्ट तो हो गया है, चिकू को भी कर दिया है मैंने बाय बाय। अब हमको जाना है भुवनेश्वर, तो थोड़ी हो जाती हूँ तैयार, बाल वगैरह बना देती हूँ, थोड़ी बहुत लिपस्टिक भी लगा देते हैं। अच्छा पर्स नहीं है, बाल तो नीचे जाके बनाना पड़ेगा, कंघा नहीं है यहाँ पे। हम लोग निकल रहे हैं, चलिए। हम आधे तक तो आ गए हैं। पीनू भाई साहब भी हमारे साथ हैं और मम्मी भी है, यश और हमारे ड्राइवर साहब आगे हैं। और अभी हम भाभी को रिसीव करने वाले हैं क्योंकि हम सब जने जाने वाले हैं मंदिर। सो इसीलिए बीच बीच में से होके आ रहे हैं। काफ़ी टाइम लग रहा है। टाइम तो क्या लग रहा है, रोड इतने ख़राब है, कहीं से भी जाएंगे टाइम तो लगना ही है। तो भाभी आ चुके हैं हमारे साथ, तो फाइनली जा रहे हैं हम भुवनेश्वर। भुवनेश्वर बहुत हो गया पर अब फाइनली पहुँच रहे हैं। और कैसे बढ़िया, कैसे चल रही है शादी की तैयारी? हो गई, अब बस भारत लेके आने वाले हैं। आपने कहा था आप डायरेक्ट 3 को आओगे पर इससे पहले आना हो गया, देख लो। ओ खलासी साहब, खलासी भाई जो तो भी नहीं हम सब जने मंदिर पहुंच चुके हैं। अब अंदर जाते हैं, पूजा वगैरह स्टार्ट करते हैं। मंदिर तो जोरदार, हमको एक टाइम बाद आ गया। YouTube पर देखियो, ए YouTube पर देखिए, दो दिन पहले नहीं इधर को आती है। जलाधारी के स्वयंभू नहीं मिलेगा भुवनेश्वर सूर्य। अच्छा ये आप ही स्वयंभू है। अच्छा शिवलिंग भी अटली थी पहले। अच्छा गिरी है दादा आज नंदी क्या रखी भी स्वयंभू नहीं। हाँ वो तो ये मैं पहली वक्त देखी नंदी जलाधारी। आज ऊपर गाड़ी चलाएगी जब ऊपर 5 शिवलिंग है, ये भी स्वयंभू है लेकिन गाड़ी चला ऊपर रोड है 5 शिवलिंग है। जैसे हनुमान जी स्वयंभू, नेचर उत्तरायण हॉल में प्यार जी स्वयंभू। तो अभी यश की भाभी की अंदर मंदिर में तो पूजा हो गई है। अब थोड़ी पूजा और बाकी है, वो हो जाएगी फिर फ्री हो जाएंगे। ये भी बेचारे बैठ बैठ के थक गए। क्या हाल है? बहुत बुरा गर्मी की वजह से ज़्यादा परेशान होना पड़ रहा है। इतनी देर तो नहीं बैठा जाता उन्हें बिल्कुल। मंत्र पढ़ता हो जाओ। मम्मी ने मेरे को ही काट दिया है। अरे यार निकल ही नहीं, मम्मी तो पोछा पावरी है। मम्मी ये मम्मी से खुद खाएगी, मैंने नहीं खा सकेगी। नरम मृत आजातमग्निम् कविगो सम्राजमतिथिम् जनानामासन्नापात्रम् जनयन्तदेवम् जदेवे कुत्रायुगं तन्नो। तो अभी पूजा लगभग फाइनली कंप्लीट होने आ गई है। अब जा रहे हैं आरती करने के लिए। पर्स वर्स ले लेते हैं। दंडवत प्रणाम दे रहा है यहाँ पे मेरा भाई। हो गई पूजा फाइनली कंप्लीट हो गई है और हम सबकी हालत भी आप देख सकते हो। अभी जस्ट हवन हुआ है कंप्लीट और भाभी और इनके तो बैठ के हालत ख़राब हो गई है। बस अभी हम लेंगे सब जने प्रसाद जो कि पूजा का है। अभी सब जने लड्डू बाटी खाएंगे। तो फ्रेंड्स हम फाइनली निकल चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा तीनों थके हुए हैं। यश भी बहुत थक गया है और गाड़ी वहाँ पर खड़ी है। हाँ लूँगी संभालते अभी वो चेंज ही कर रहा है आई थिंक, यूँ लग रहा है। तो अब सीधा भाभी को छोड़ के फिर कल्याणपुर है आज मेरे बुआ जी के वहाँ पे खाने का। तो चिकू भी आज वापस आ रहे हैं। मेरा एक आधा कुछ सामान बाकी है तो अभी डूंगरपुर हम लेने के लिए रुके। वापस जा रहे हैं आज 22 साल के वाले के। ओ भाई सोच रहे थोड़ी चूड़िया पिनू के लिए भी ले लें। देख लो वही चाहिए, वैसे ही चाहिए। हाँ ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं है। वो दिखने में ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, वाइट वाइट थे ना। ओके बाय बाय। मैं नहीं उतर रही, बाय बाय। चलो और रोड नया बनवा दिया जाना मैम करीम। वही तो कह रहे थे कल्याणपुर का बनवाई हो उनका। चलो भाभी को हमने उनके घर पे छोड़ दिया है और अब हम निकल गए हैं कल्याणपुर के लिए। और सब जने इतने ज़्यादा थके हार गए। आप इसकी हालत देख सकते हो, बेचारा थक गया है बहुत ज़्यादा। मम्मी भी थक गई है, पीनू भी थक गया है, पीनू भी थक गया है और मैं भी। अमित भी बोर हो गया। अमित भैया भी बोर हो गए पूरा दिन बैठे बैठे। कुछ काम हो तो सही लगता है पर सच में बैठना सबसे बेकार काम है। पूजा ने तो वाह। तो यह सब रेस्ट कर रहा है, हम भी थोड़ा रेस्ट करते हैं और कल्याणपुर पहुँचते हैं। चुकू आ रहे हैं घर पे। हम आ गए हैं कल्याणपुर और ये गाड़ी अब पार्किंग में जा रही है और सारा सामान जो भी लेके आए हैं उसको वापस से घर पर ले जा रहे हैं। घर आने के बाद तो हमको सीधे ही मेहमान मिल गए। थके हारे घर पे आए थे। तो चिकू का भी आज लंच डिनर हमारे यहाँ पर क्या है, यस के बनोरे चालू हो गए हैं तो यस के साथ में। तो अभी हम जाएंगे खाना खाने के लिए। थक गया और यस बहुत ज़्यादा थक गया है बाबड़ा। यस कितनी देर बैठा बता कंटिन्यूसली? 11 बजे तक ही चालू थी। तो खाना खा लिया है और अब खा रहे हैं हम आइसक्रीम। तो यहीं पर कर देती हूँ मैं ब्लॉग का एंड। अगर आज का ब्लॉग देखने के बाद अच्छा लग गया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। मिलते हैं कल के अच्छे से ब्लॉग में। ओके बाय।